हेलो और वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पर हमारी एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज के इस वीडियो में जो है हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं मीवी की तरफ से आने वाले ये कॉलर क्लासिक वायरलेस ईयरफोन्स को। और आज के इस वीडियो में आपको जो कंप्लीट रिव्यू है वो इन ईयरफोन्स के बारे में देखने को मिल जाएगा। एंड आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इसकी तरफ जाना चाहिए, मतलब आपको इसे परचेज करना चाहिए, एंड मतलब जो भी आप कुछ जानना चाहते हो इस ईयरफोन के बारे में कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसकी साउंड कैसी है, क्या इससे मैं परचेज करता हूँ तो ये सही ऑप्शन रहेगा, ये सब वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लिटरली काफ़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी शुरू करता हूँ, मैं हूँ अनुज सिंह, ये है टेक्निकल लाइफ, चलिए शुरू करें। कुछ इस तरीके का आपको जो है बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट फिनिश आपको बॉक्स पे देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे सबसे ऊपर मिल जाएगा आपको मीवी का लोगो जो ग्रीन कलर में है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई होप आप कैमरे से पता लगा पा रहे होंगे। एंड इसके बाद ग्लॉसी कलर की उसमें यहाँ पे आपको जो एक है लुक आपको देखने को मिल जाएगी इन वायरलेस ईयरफोन्स की। नीचे साइड अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कॉलर क्लासिक करके। एंड यहाँ पे मैं एक बार फोकस कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है मैं कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं कॉलर क्लासिक वायरलेस ईयरफोन। नीचे यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन बताई गई है, जैसे कि आप पहले देख सकते हो मेड इन इंडिया यहाँ पे सबसे पहले आपकी नज़रों में आएगा। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं डीप एंड पावरफुल बेस करके यहाँ पे आपको बताया गया, फास्ट चार्जिंग के बारे में भी बताया गया है। साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पुश द लिमिट करके यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। एंड इस साइड आप देखोगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया। और इसी के साथ साथ अगर आप बैक साइड पे आओगे तो ऊपर साइड आप देख सकते हो कॉलर क्लासिक की ब्रांडिंग है, वायरलेस ईयरफोन लिखे हुए, मीवी की ब्रांडिंग है। तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको कुछ स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो HD स्टूडियो साउंड, लॉसलेस ऑडियो, एंड यहाँ पे स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ के बारे में बताया गया है। फुल चार्ज इसमें आप बताया गया है कि ये 35 से 40 मिनट के बीच में हो जाता है डिपेंडिंग ऑन चार्जर। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं लाइट एंड कंफर्टेबल इन ईयर फिट एंड सुपर सॉलिड बेस विद पावरफुल ड्राइवर। एंड इसमें आपको मैग्नेटिंग लुक आपको देखने को मिल जाएगा, बट इसमें हमें मैग्नेट देखने को मिलता है कि नहीं वो मैं आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। एंड इसके अलावा आपको इसमें MEMS माइक फॉर क्रिस्टल क्लियर आपको कॉल के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंड प्राउडली मेड इन इंडिया इसकी ब्रांडिंग आपको पूरे ही बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 ईयर लिमिटेड वारंटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसके अलावा बॉक्स पे नीचे आपको यहाँ पे एक लुक देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे इसकी MRP जो है वो दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी MRP जो बताई जा रही है वो है 3000 रुपीज़। तो MRP पे ये बताया जा रहा है, बट आप इसे अमेजोन से परचेज करते हो तो आपको ये 1000 रुपये के करीबन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं बॉक्स को किस तरीके से यहाँ पे पैक किया गया। यहाँ पे हमें कोई सील देखने को नहीं मिलती, बट आपको जो पैकेज मिलेगा वो कम्प्लीटली प्लास्टिक में रैप होगा, तो मतलब इसके ऊपर कम्प्लीटली जो प्लास्टिक लगी थी वही इसकी सील थी। अगर वो प्लास्टिक इसके ऊपर ना हो तो आपको उसको शायद नहीं परचेज करेंगे, आप रिप्लेस कर दो ज़्यादा सही है। इसके ऊपर
अंदर देखते हैं इसे निकाल के पहले बाहर, एंड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इसको निकालना, देख सकते हो। ओके, काफ़ी हार्ड बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है काफ़ी, एंड इसको हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं, मैं इसे कहीं उल्टा ना निकालूँ, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। एंड ये रहा हमारा प्रोडक्ट हमारे सामने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मिल जाता है ये पेपर वर्क, यहाँ पे हमें एक ये वारंटी कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक वेलकम लेटर, या कह लो आप थैंक यू लेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा हमें आप देखते हैं यहाँ पे मिल जाएगी हमें एक मैनुअल किस तरीके से पेयर करना है, एंड इसकी बटन जो है वो किस तरीके से फंक्शन करेगी। तो आपको पूरी कंप्लीट जो मैनुअल है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। कुछ आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपके ईयर पीस आपको देखने को मिल जाते हैं, या ईयरबड्स कह लो, जो आपके कान के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो, आपके कैसी फिटिंग आती है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स दिए गए हैं, एक पीस इसमें लगा हुआ है, एंड बाकी दो साइज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है एक छोटी सी यूएसबी केबल, जो कि एक नॉर्मल यूएसबी है, टाइप सी नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मेरा कैमरा हल्का सा फोकस करे तो मैं आपको दिखाऊँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नॉर्मल आपको यूएसबी केबल मिल जाएगी कुछ इतनी लंबी, ठीक है। इसे चार्ज करने के लिए आप इसे नॉर्मल चार्जर से भी इसको चार्ज करना चाहो तो कर सकते हो। एंड अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पे, तो इसे हम लोग यहाँ पे बॉक्स से कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं, काफ़ी आराम से निकालना है बिकॉज़ ये काफ़ी टाइट पैक होते हैं, इनके ये जो ईयरबड्स होते हैं इस बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा, तो इन्हें आप बड़े ही आराम से कुछ इस तरीके से आप निकाल लीजिए सिंपली। एंड इसके अलावा इसमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा, इसको रख देते हैं साइड में। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, एंड सबसे पहले हम लोग एक चीज़ चेक कर लेते हैं जो कि है हमारा मैग्नेट वाला। इसमें मैग्नेट फिनिश मिलती है, बट क्या हमें इसमें मैग्नेट मिलते हैं? यस, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है मैग्नेट आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये चीज़ काफ़ी सही लगती है मुझे कि इससे क्या होता है आपके, अगर आप कहीं चल रहे हो एंड आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसे नीचे करके कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी मदद से ये आपके नेक से जो है नहीं निकलेगा, तो इस वजह से मैग्नेट जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। एंड आप इसकी क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हो, सबसे पहले आपको ये जो है मेरे ख्याल से ये किसी टाइप की, ये प्लास्टिक से है बना हुआ है, ये वाला जो पीस है ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इस पर प्लास्टिक है कम्प्लीटली। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे कुछ बटन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ये वॉल्यूम के लिए होगा, ये प्ले और पॉज के लिए होगा, यहाँ पे आपको शायद से माइक भी देखने को मिल रहा है, एंड क्या ये नॉइज़ कैंसिलेशन माइक है, बट आपको यहाँ पे माइक देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा दूसरे साइड पे कुछ भी नहीं है, ये कम्प्लीटली ब्लैंक है, इस पर कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट की और इस पर राइट की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसके अलावा इसकी जो केबल है ये मेन काफ़ी मेन चीज़ है, बिकॉज ये एक फ्लैट केबल है तो इसके टूटने के चांस काफ़ी कम होते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली एक साइड का पीस बंद हो जाता है, एक साइड का जो यहाँ पे ईयरबड होता है आपका बंद हो जाता है, वर्क नहीं करता है बेसिकली एक साइड का। सो आपने ज़्यादातर केबल्स देखे होंगे वो एक जस्ट नॉर्मल केबल होते हैं, वो फ्लैट केबल्स नहीं होते, तो उसमें ये ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, बिकॉज इससे पहले मेरे पास नॉइज़ वाले थे तो उसमें मुझे यही दिक्कत आई थी कि वो काफ़ी पतले थे, बट ये काफ़ी ज़्यादा मोटी आपको इसमें केबल देखने को मिलती है। एंड ये रबर की है, इसमें कोई और मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया है इसके केबल पे, बट काफ़ी अच्छी बात ये है कि इसमें आपको ये जो है एक फ्लैट केबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड इस साइड पर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से इसको आप चार्ज कर सकते हो, जस्ट इसे कुछ इस तरीके से ओपन करके आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हो, एंड इसे बंद कर सकते हो जब आप नहीं कर लोगे यूज़। एंड इसके अलावा इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे जैसे कि जो आपको ईयरबड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ग्लॉसी फिनिश आपको देखने को मिलेगी, कुछ मैट फिनिश कह लो, वहाँ पे मेवी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। एंड ये मेरे ख्याल से जितना मुझे लग रहा है शायद से ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक पता नहीं चल रहा है मेरे को, शायद से स्टील मतलब कोई और प्लास्टिक लग तो रहा है, बट फिनिश प्लास्टिक वाली इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है, ये बात है। एंड इस पर भी आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। एंड इसके अंदर अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पहले, मुझे नहीं पता आप ये चीज़ कैमरे में देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, इसके ऊपर एक नेट लगा हुआ है, उसके अंदर स्पीकर है, तो डायरेक्टली जो गंदगी होती है जो भी डस्ट वस्ट होती है वो डायरेक्टली इसके अंदर नहीं जाएगी, यहाँ पर इसके ऊपर एक नेट जो है यहाँ पर दिया गया है, जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हो वो एक नेट है, तो डायरेक्टली इस ईयर पीस के अंदर जो है
आपकी जो डस्ट है या कोई भी गंदगी है वो डायरेक्टली नहीं जाएगी। एंड यहाँ पे इसके जो ईयरबड्स दिए गए हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट हैं, जिससे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी होगी इसे अपने ईयर्स में पहनने में। तो इस प्रोडक्ट को अपने फ़ोन से कनेक्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। इसमें जो आपको ईयरबड्स आपको जो देखने को मिलेंगे वो आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इसमें बटन्स के बारे में भी आपको थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो देख रहे हो, आपको सबसे पहले वॉल्यूम कंट्रोल के लिए प्लस और माइनस बटन देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको जो गोल सी बटन देखने को मिल रही है वो एक मल्टी फंक्शन बटन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक माइक देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है वो कोई नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं है, वो इसकी LED लाइट है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ इसकी बटन फंक्शन कैसे करती हैं, एंड इसमें कुछ और स्पेशल फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने इसका मैनुअल नहीं पढ़ा है तो वो आप ज़रूर पढ़िएगा, उससे आपको काफ़ी सारा आइडिया देखने को लग जाएगा। तो इसमें सबसे पहले इसको ऑन कैसे करते हैं, तो इसी मल्टी फंक्शन बटन को अगर आप एक सेकंड तक होल्ड करके रखोगे तो ब्लू लाइट जलेगी एंड ये ऑन हो जाएगा। ऑफ़ करने के लिए इसको 3 सेकंड आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा एंड रेड लाइट जलेगी एंड ये ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा आपको डिवाइस से कनेक्ट कैसे करना है, इसी मल्टी फंक्शन बटन को आपको प्रेस करना है और उसको होल्ड करके रखना है 1 सेकंड के लिए, ब्लिंक करेगी आपकी रेड और ब्लू लाइट एंड वो कनेक्ट हो जाएगा। वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगा कनेक्ट करके क्या किस तरीके से काम करता है, बट आपको मैं अभी जस्ट मैनुअल से पढ़ के बताया जा रहा हूँ कि आखिरकार मैनुअल में क्या क्या लिखा हुआ है। एंड आपको यहाँ पे म्यूज़िक प्ले और पॉज कैसे करना है, जस्ट सिंपली आप इसे मैं जो इसकी मल्टी फंक्शन बटन है उसको आपको प्रेस करके आप उससे म्यूज़िक को प्ले कर सकते हो और पॉज भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल्स के बारे में। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम, आप जैसे आप देख रहे हो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए आपको बटन्स मिल ही रहे हैं। इसके अलावा आपको प्रीवियस जो आपका ट्रैक होगा या नेक्स्ट ट्रैक होगा उस पर जाने के लिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल जो है उसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड अगर आप यहाँ पे प्रेस और होल्ड करते हो 1 सेकंड के लिए माइनस वॉल्यूम बटन को, तो आप यहाँ पे जो प्रीवियस ट्रैक पे चले जाओगे। एंड उसी तरीके से नेक्स्ट ट्रैक पे जाने के लिए आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए प्लस वाली वॉल्यूम बटन को। एंड इसके अलावा आपको गूगल वॉइस या सीडी को एक्टिवेट करना है तो आपको प्रेस और होल्ड करना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए मल्टी फंक्शन बटन को। और साथ ही साथ इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कॉल आंसर करनी है या कॉल एंड करनी है तो किस तरीके से करना है, तो आपको मल्टी फंक्शन बटन से आप प्रेस करके कॉल आंसर कर सकते हो, और एंड करने के लिए भी आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपकी जो कॉल है वो यहाँ पे मल्टी फंक्शन बटन की मदद से जो है एंड हो जाएगी। एंड अगर आपको कॉल पिक नहीं करनी है एंड सीधा आपको कॉल को इग्नोर कर देना है तो जस्ट जब कॉल आ रही होगी तब आपको प्रेस एंड होल्ड करना है मल्टी फंक्शन बटन को कुछ 1 सेकंड के लिए, एंड वहाँ पे आपकी जो कॉल आ रही होगी वो कट हो जाएगी। एंड अगर आपको माइक्रोफोन को म्यूट करना है तो यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन बटन को 2 बार आपको प्रेस करना पड़ेगा एंड आपका जो माइक्रोफोन है वो म्यूट हो जाएगा। जो आपका लास्ट नंबर होगा वही आप रीडायल कर सकते हो अगर आप मल्टी फंक्शन बटन को 2 बार टैप करते हो। एंड इसके अलावा आपको एक और फीचर देखने को मिलता है, आप इस ईयरफोन को एक ही साथ 2 डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। सो आइए इस डिवाइस को हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं अपने स्मार्टफोन से। मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी नोट 10 प्रो, एंड इससे हम लोग इसे कनेक्ट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको ऑन करने के लिए आपको इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, मैं आपको यहाँ पे दिखाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे इसकी जो लाइट है वो यहाँ पे जो है ब्लिंक होने लग गई है, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे इसकी जो लाइट है वहाँ पे ब्लिंक हो रही है, तो मतलब ये कनेक्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए हम अपने स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने ब्लूटूथ पे एंड मोर ऑप्शंस पे जाके हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीवी कॉलर क्लासिक करके आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। आइए हम लोग इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। एंड ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड काफ़ी जल्दी मेरे फ़ोन से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है कुछ इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे आप इसकी बैटरी का जो यहाँ पे मीटर है वो भी आप यहाँ देख सकते हो, उसकी बैटरी जो है 80% चार्ज है, ये मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है और एक्टिवेट भी है। तो यहाँ पे मैं कुछ करीबन 1 आधे घंटे से मैंने इससे म्यूज़िक सुन के देखा है, एंड जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आपको काफ़ी अच्छी जो बेस है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और इसमें जो आपको ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है, बिकॉज मैं इस तरीके के नेकबैंड पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील हो, बट मैं ये नहीं कह रहा कि वो अनकम्फर्टेबल
ट्रबल इसकी वजह से होगा बिकॉज आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो इस वजह से हो सकता है, बट आप टाइम के साथ यूज़ टू हो जाओगे। बट फिलहाल के लिए मैं जब से जितनी देर भी मैंने इससे म्यूज़िक सुना है मुझे कोई भी अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं हुआ है। यहाँ पे इसकी जो फिटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, आपके कानों में दर्द नहीं होता है। एंड अगर आप सही जो आपकी राइट ईयर पीस है आपके कान की फिटिंग के हिसाब से अगर आप यूज़ करते हो तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं, आप तीनों ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें ज़्यादा अच्छा फिट आ रहा है। एंड अगर आप कोई भी लगा के यूज़ करोगे तो हो सकता है आपको ये थोड़ा ढीला रहे या कुछ ज़्यादा ही टाइट रहे जिसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल सा फील हो सकता है, तो आप राइट ईयर पीस यूज़ कीजिएगा अपने ईयर्स के हिसाब से। बाकी मैं आपको बताऊँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, बट इसका जो मैग्नेट है वो थोड़ा सा मुझे हल्का सा लाइट लगा, ये थोड़ा सा अगर ज़्यादा स्ट्रांग होता तो ज़्यादा सही रहता, बट फिलहाल के लिए काम चलाने के लिए काफ़ी अच्छा है। बट अगर थोड़ा सा और ज़्यादा पावर होती इसके मैग्नेट में तो ठीक रहता, बट इतनी ज़्यादा कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी सही लगी, इसकी जो बटन्स हैं उसकी भी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये प्ले पॉज वाली जितनी बटन्स हैं वो सभी वर्क कर रही हैं, मैंने सब यहाँ पे करके देख लिया है। इसकी वॉल्यूम के बारे में आपको बताऊँ तो काफ़ी लाउड है, ऐसा नहीं है बट इतना भी लाउड नहीं है कि एक टाइम पे बाद, आपने देखा होगा कुछ आपको ईयरफोन्स में एक टाइम के बाद इतना ज़्यादा लाउड हो जाता है कि जो आवाज़ है वो फटने लग जाती है, एंड आवाज़ जो आपको सही से समझ नहीं आती है। तो इसमें जो लाउडनेस का लेवल है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब मेंटेन सा काफ़ी बैलेंस आपको लाउडनेस का लेवल देखने को मिल जाएगा। आपको इसे अपने स्मार्टफोन से या इसके वॉल्यूम कंट्रोल से एडजस्ट कर सकते हो। और इसकी जो मेन हाईलाइट है वो है इसकी बेस, तो इसमें आपको बेस अगर आपको पसंद है तो वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और मीवी की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर आप इसे 100% चार्ज कर लेते हो तो ये करीबन आपको एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा, वो तो मैं आगे आपको बता दूंगा या कमेंट में लिख दूंगा इसे कम्प्लीटली रिव्यू करने के बाद। बट फिलहाल के लिए जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन रहा है वो काफ़ी कमाल का है, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बेस काफ़ी अच्छी है, इसमें जो आपको वोकल्स देखने को मिलते हैं वो भी आपको काफ़ी आराम से सुनाई देंगे, काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा हाई नहीं है वोकल्स, बट ठीक है जो आप प्राइस पे कर रहे हो उसके हिसाब से इसकी ऑडियो क्वालिटी पे मैं कोई भी कंप्लेन नहीं देने वाला। बट सबके हिसाब से अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, सबके अपने अपना टेस्ट होता है, सबका अपना अपना म्यूज़िक का टेस्ट होता है, सब अपनी तरीके के गाने सुनते हैं, बट जिस तरीके का मैं म्यूज़िक सुनता हूँ उसके लिए मुझे ये बहुत ही सही लगा, इसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। एंड काफ़ी अच्छी इसकी ऑडियो क्वालिटी है, एंड अगर आप थोड़ा बहुत इक्वलाइज़र यूज़ करते हो तो उसकी ऑडियो क्वालिटी को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, इसमें मैंने जितनी भी डिटेल हो सकती थी इसके बारे में आपको बता दी। एंड बेसिकली आप बात तो ये है, मैं आपको म्यूज़िक नहीं सुना सकता इससे बिकॉज इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं आएगा कि आप इसमें सही से सुन पाओ, एंड माइक भी इसकी ऑडियो के साथ जस्टिस नहीं करेगा। बट मैं जो बता रहा हूँ इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी बेस काफ़ी अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट अब ये लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि ये किस तरीके की परफॉर्मेंस देता है एंड ये कितना ज़्यादा असली में अच्छा है। तो अगर आप फ्यूचर में कभी ये वीडियो देख रहे हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पता कर सकते हो कि ये किस तरीके का काम कर रहा है। बट फिलहाल के लिए फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसे परचेज़ करने की सोच रहे हो तो 100% आप इसे बड़े आराम से परचेज़ कर सकते हो, कोई भी इसमें ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं देखने की लगी बिकॉज मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए तो एक आधे घंटे से यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा इसने मुझे परफॉर्मेंस दिया है। एंड ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, एंड ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा, इसकी अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिकॉज आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप सब अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। सो अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन या किसी और अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।